मम्मा, अगर आज के ज़माने में कोई इंसान भलाई करे या अच्छा करे तो लोग उसको लाइटली क्यों लेना शुरू कर देते हैं? टेकन फॉर ग्रांटेड, बेवकूफ़ समझते हैं, है ना। दिल के अच्छे होते हैं ना, वो हमेशा इस्तेमाल ही किए जाते हैं। मतलब मैंने ये नोटिस इसलिए किया क्योंकि जब से मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन दे रही हूँ, फ्री वाली, पेड वाली, कोई भी, तो एक सवाल के बाद दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, और मेरे फैमिली मेंबर के बारे में बता दो, मेरे फेस के बारे में बता दो, और फिर इतने सारे क्वेश्चंस पूछकर बाद में हाँ कि मेरी मासी की बेटी को पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड की स्किन के ऊपर खारिश क्यों हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, और फिर ऐसे ऐसे कोई भी चीज़ें पूछ लेते हैं, और उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं रिप्लाई फिर भी कर देती हूँ। बाद में कमेंट आ जाता है ये डॉक्टर तो रिप्लाई नहीं करती है, उन्हीं उन्हीं लोगों के फिर ये तो रिप्लाई नहीं करती है, हम तो 10-10 मैसेज करते हैं। I want to tell you one thing as a motivational speaker, one who wants to please all is the biggest fool in this world. English नहीं, नहीं English नहीं, मेरे followers जो सारे आनु खुश करना चाहता है, नहीं हिंदी, जो सबको खुश करना चाहता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है इस दुनिया में। You can't please all. पर मैं चाहती थी कि मैं चाहती थी कि मैं ये चीज try करूँ और सबकी help करने की कोशिश करूँ, change करूँ। आप machine थोड़ी ना हो, आपके पास भी 24 hours, आपके भी limitations हैं, कैसे कर सकते हो? I tried, रात जाग के। You tried, it's a good thing, yeah. पर आप सबको खुश करने की कोशिश, और वो हो भी नहीं पाएगा। नहीं हुए, नहीं हुए, साल हो गया, पूरा साल हो गया। तो अब फाइनली मैं अपने लिए, पता लग गया ना, अब अपने लिए डिसीजन ले रही हूँ फाइनली, जो चीज मुझे खुशी देती है, खुशी मेरे को वो भी देती थी, पर क्योंकि वो चीज समझ रहे हो, मुझे बहुत पेशेंट्स, आप में से कुछ पेशेंट्स ने आके चीज बोली है कि मैम आप हर किसी का इतना ज्यादा करते हो ना, जब तो लोग कहते हैं ये तो डॉक्टर लाइट सी है, ठीक है, इसे तो कुछ भी पूछ लो, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो हुआ मेरे साथ। शी इज द मोस्ट अवेलेबल डॉक्टर, अवेलेबल है, जब मर्जी पूछ लेंगे तो हाँ, बट वी नो योर वैल्यू, वी नो योर वर्थ, वी नो योर पोटेंशियल। हाँ मैं सोच रही थी दुनिया में हम अच्छा ही कर सकते हैं, तो उनको उन्हीं की तरह से जवाब दो आप, फिर जवाब नहीं देना है, बस मेरे को जवाब दे, अगर मेरे को जवाब देना ही नहीं, मैं तभी कंसल्टेशन सोच रही हूँ कि मैं बंद ही कर देती हूँ। गुड 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 गुड, आई लाइक इट। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर हनीत कौर। एक पेड़ है, अगर इसकी एक जो टहनी है उसके ऊपर ही सारा भार पड़ेगा तो पूरे पेड़ की टहनियों के ऊपर, पूरे पेड़ के ऊपर भार पड़ेगा ना, फिर वो खींचेगा ना, और पेड़ के टूटने के आसार हैं। वही अगर अब हम समझदारी बरते तो हम उस एक टहनी को काटेंगे कि पूरे पेड़ को काटेंगे? ऑब्वियसली बात है ना, एक टहनी को काटेंगे, तो ऐसे ही मैं अपनी ज़िंदगी की एक टहनी को आज काटने जा रही हूँ, जो कि है ऑनलाइन कंसल्टेशन। मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन देनी बंद कर रही हूँ, चाहे वो पेड हो चाहे वो फ्री वाली हो, क्योंकि मैंने एक साल से सबको फ्री में रिप्लाई किए हैं। अगर बीच में लोगों की बातें सुन के एक दो बार पेड कंसल्टेशन स्टार्ट की भी है, जैसे अगस्त में की थी पिछले साल और इस साल जनवरी में की है, तो वो भी हमने जिन लोगों को तो दे दी, लेकिन जिन लोगों की पेंडिंग थी तो सबको रिफंड कर दिए हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक सो मैं कर पाऊंगी। मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी? ऑब्वियसली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के टाइम की कमी, मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि मैं नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ, कई बार हफ्ता लग जाता है, 4 दिन 5 दिन 10 दिन लग जाते हैं रिप्लाई करने में। तो आप एक बार पूछते हो प्रोडक्ट का, फिर नेक्स्ट टाइम हम 2 दिन बाद बताते हैं हाँ जी ये प्रोडक्ट, फिर आप यूज़ करते हो, स्किन ऐसी है मैडम अब क्या करें रिप्लाई करना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं, मेरे को सक्सेसफुल नहीं लगी ये चीज़, तो मैं इस चीज़ को अपनी लाइफ में कट कर रही हूँ कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। जो तो आप मेरे पास आके ट्रीटमेंट लेते हो तो वो चीज़ समझ आती है, मैं आपकी स्किन देखती हूँ, आपकी हिस्ट्री लेती हूँ, आपके पुराने ट्रीटमेंट्स के बारे में पूछते हैं, अगर आपका कोई टेस्ट करवाना है, आपको किसी डॉक्टर के पास रेफर करना है, वो चीज़ तो समझ आती है, वो तो हम करते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन मेरे से कुछ पूछते हो तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी कौन सी प्रॉब्लम है, कितनी है और कितनी सीवियर है, और आपको किसी और डॉक्टर के पास भेजने की जरूरत है कि नहीं है, क्योंकि आपका पिगमेंट लाइट ना होने का कारण हार्मोनल भी हो सकता है, इट मे बी बिकॉज आपके गायनेकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, इट मे बी बिकॉज आपके कोई और हेल्थ इशू है जो आप मे बी शेयर नहीं कर रहे हो या भूल गए हो बताना, तो हम कोई और चीज दे दें तो मे बी आपको कोई साइड इफेक्ट ना आ जाए। कोई भी प्रोडक्ट, जैसे आपने कोई फेस वॉश पूछा, आपने कहा मेरी ऑयली स्किन है, मैंने बता दिया चलो जी सैसलिक यूज कर लो, अब सैसलिक यूज तो कर लिया, उससे एलर्जी होगी, जाना तो फिर भी लोकल डॉक्टर के पास पड़ेगा ना, तो इसलिए बेहतर है अगर आपको कोई ट्रीटमेंट लेना होता है तो आप अपने लोकल डॉक्टर के पास जाइए। मेरे पास आ सकते हो तो ठीक है, नहीं आ सकते तो अपने लोकल डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लो। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर एक ट्रीटमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ना, तो वो नीचे एक बटन है अनसब्सक्राइब का, तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको वो नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे आपको अपनी खुद की स्किन केयर कैसे करती हूँ उस चीज़ के बारे में बता सकती हूँ। अब ऑब्वियसली बात है, एक माँ को भी नहीं पता होता उसके 3 बच्चों के बारे में कि उसके किस बच्चे को किस चीज़ से एलर्जी है कि नहीं। तो मैं एक डॉक्टर हूँ जो इतनी दूर 100,000 किलोमीटर दूर बैठी हूँ, तो मैं कुछ हद तक ही आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आपको कंसल्टेशन दे के वो चीज़। मुझे पता है आजकल एक रेस लगी हुई है डॉक्टर्स की कि हाँ
हाँ हर कोई कंसल्टेशन दे रहा है, हर चीज़ की कंसल्टेशन, आप पैसे दो आपको बताएंगे ये प्रोडक्ट यूज़ करो वो प्रोडक्ट यूज़ करो। मुझे पहले दिन से ही कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा था इसमें, मैं सिर्फ वीडियोज़ बना के खुश हूँ और मैं इसी अपने काम को ज़्यादा बढ़ाना भी नहीं चाहती हूँ। अभी मेरे पास सिर्फ एक एम्प्लॉई है जो आपके रिप्लाई करती है, मेरी हेल्प भी करती है, अपॉइंटमेंट्स भी लेती है, उसके ऊपर भी कितना ही बोझ डालेंगे, और मैं ज़्यादा एम्प्लॉयज रखना भी नहीं चाहती हूँ, खलेरा नहीं डालना मेरे को, बस इतना है कि चाहे कम लोगों की मदद करें लेकिन करें दिल से। अब तक मैं फ्री में जो रिप्लाईज करी थी वो खुद से करी थी, लेकिन जब से लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं, फॉलोअर्स ज़्यादा बढ़ गए हैं, तब से मैं खुद रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, एम्प्लॉई जो मेरी है पीए है रितु वो रिप्लाई करती है, तो उस चीज़ की मुझे मुझे खुशी नहीं होती, मेरे को अच्छा नहीं फील होता कि मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। दिल से करूँगी तो मैं वीडियोज़ बनाऊँगी, अगर आपको आगे से कोई भी क्वेश्चन पूछने होते तो आप कमेंट्स में लिख दिया करो, कमेंट्स में रिप्लाई आएंगे, क्योंकि अब मेरे पास कंसल्टेशन नहीं दूंगी तो फ्री टाइम होगा थोड़ा सा, तो मैं कमेंट्स में आपका रिप्लाई किया करूँगी, और या फिर स्टोरीज़ में, आपको पता मेरा स्टोरी इंस्टाग्राम डॉक्टर हरनीत है, तो आप डॉक्टर हरनीत उस स्टोरीज़ पर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आप उसके ऊपर कमेंट करना, मैं आपके चीज़ों के रिप्लाई करूँगी। लेकिन वो वन टू वन कंसल्टेशन, चाहे आप फ्री में क्वेश्चन पूछते थे, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते थे, मैम फाउंडेशन का कलर बता दो, अब मैं कैसे बताऊँ आपको, मॉल जाके वो टेस्ट करवा के पता लगेगा ना। कई लोग ऐसे पूछते थे, मैम हम जो ऑयल है वो नायका से सस्ता मिलेगा कि अमेजोन से सस्ता मिलेगा, इन इन क्वेश्चंस के लिए 10-10 कॉल्स, 50-50 मैसेजेस, उससे किसी की ज़रूरी प्रॉब्लम है वो भी नहीं हम हल कर पाते थे। तो मैंने सोचा कि ये सिरदर्दी हमें लेनी ही नहीं है, आपको ट्रीटमेंट चाहिए आप अपने लोकल डॉक्टर को विजिट करो, मैं यहाँ पर सिर्फ आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकती हूँ कि कौन सी चीज़ मेरी थिंकिंग है कि ये चीज़ यूज़ कर सकते हो या ये चीज़ नहीं कर सकते हो। मैं खुशी से सिर्फ दिल से वीडियोज़ ही बनाती थी ना, तब मैं ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाती थी। जब से मैं ये लोगों की बातों में आके कंसल्टेशन स्टार्ट करो, ऐसे करो, डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, मुझे भी ऐसे करना चाहिए, तभी मेरा काम खराब का रिप्लाई करना हर किसी का मेरे लिए भी डिफिकल्ट है, मेरी एम्प्लॉय के लिए भी डिफिकल्ट है। तो बट विल ट्राई, ठीक है, क्योंकि मुझे पता आप लोग बहुत प्यार भी करते हो और अब तक यहाँ तक भी पहुँची हूँ, तो आपके प्यार और आपकी रिस्पेक्ट की वजह से ही पहुँची हूँ, एंड आई विल मेंटेन दैट, मैं कोशिश करूँगी उसको बरकरार रखूँ। लेकिन जो चीज़ अब कर ही नहीं सकते हैं ना, मैं वही कह रही हूँ ना, एक पेड़ को गिराने से अच्छा है कि मैं ही बीमार हो जाऊँ, इससे अच्छा ना कि वो एक टहनी काट दो। तो जब तक मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ, और क्योंकि अब तो मैं शायद कर भी नहीं पाऊँगी ऑनलाइन कंसल्टेशन, जितने लोगों को मिल गई मिल गई, लेकिन इसके बाद मेरे से नहीं होगा, तो इसके बाद यही है कि आपसे लाइव पे आऊँगी, तो लाइव पे जैसे इंस्टाग्राम के लाइव पे ऑप्शन होता है आपके साथ बात करने का, तो आप वहाँ पे आ सकते हो, वहाँ पे हम बात किया करेंगे, आपके प्रॉब्लम के आंसर्स वहाँ देने की कोशिश करूँगी, और आपका एग्जांपल देके फिर बाकी लोगों की भी हेल्प होगी, उनको भी पता लगेगा कि हाँ ये चीज़ यूज़ करके हम घर पे फेस अपना ठीक कर सकते हैं। तो अगर तो आपको मेरा ये पॉइंट समझ आ गया है तो बहुत अच्छा। अगर मुझे पता बहुत लोग नाराज़ भी होंगे कि मैम नहीं हमको आपसे बात करनी होती है या आपसे पूछ के करनी है चीज़, तो मैं कहूँगी आप नहीं, आप अपने लोकल डॉक्टर के पास ही विजिट करो, अगर जब टाइम होगा मेरे पास, बीच बीच में कभी टाइम होता है, तो मे बी मैं लाइव के ऊपर किसी को लेके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। दूसरा, अगर बाय चांस जैसे किसी के अगर फ्री टाइम है, मैं हॉलीडे पे हूँ, मैं छुट्टी पे हूँ, और मैं किसी के साथ फ़ोन पे बात हुई, जैसे बाय लक हुआ कि बात हो गई उनकी, हम हेल्प कर सकते हैं, पर ऐसे नहीं है कि हर किसी का रिप्लाई आएगा, इसलिए प्लीज़ आज से आप रोज़ रिप्लाई की वेट करना बंद कर दो, क्योंकि बहुत हेट वाले मैसेजेस भी आते हैं, बहुत गुस्से वाले मैसेजेस लोगों के आते हैं, आप कैसे यूट्यूबर हो, यूट्यूब के ऊपर तो बड़ा हंस हंस के बातें करती हो, यहाँ पे हमारी स्किन की प्रॉब्लम नहीं समझती हो, रिप्लाई नहीं करती हो, आप तो कहती थी मैं फ्री में रिप्लाई करती हूँ, हमारा तो रिप्लाई कर नहीं रहे। अब भैया 10,000 मैसेजेस में से आपका 8,299 वाला मैसेज होएगा, तो मैं कैसे वहां तक पहुंचूंगी, और आपको रिप्लाई भी उसी वक्त चाहिए होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, यू डोंट रिप्लाई मी, सच अ बैड बिहेवियर, मैं इस चीज की वीडियो डालूंगी सोशल मीडिया पे, तुम बहुत ज्यादा बनती हो। जब ऐसी चीजें होती है ना, आपको पता, फिर मेरा दिमाग हो जाता है, और फिर मैंने यही सोचा कि भैया करना ही नहीं है ना, उन चीजों को यूज करके मैं महल खड़ा कर लूंगी और आपका भी टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए मनी वाला तो खत्म ना, मनी तो आपसे लेना ही नहीं है। ट्रीटमेंट आओगे मेरे से करवाओगे, मेरे हाथ की मेहनत लगेगी, मैं एक घंटा मेरा लगेगा आपके ऊपर, फिर मैं आपसे मनी लूंगी, क्योंकि वो मेरी मेहनत है। ऐसे ही सिर्फ वीडियो बना के ये चीज़ों से मेरे को कुछ नहीं चाहिए। भैया आप अपने घर पे खुश रहो, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो उनको देखो, उनको प्यार दो, कमेंट्स दो, मैं तो आपसे लाइक भी नहीं मांगती हूँ ना, मैं बोलती हूँ मेरी शेयर करो, मैं तो इवन ये बोल रही हूँ अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है जो आप यहाँ पे ढूंढ रहे हो तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे को बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ चाहे कम लोगों की मदद करूँ लेकिन जेन्युइन लोगों के जेन्युइन तरीके से करूँ और दिल से करूँ, खुशी से करूँ। और जो भी आपको कोई नॉलेज चाहिए होती है प्लीज़ कमेंट्स में बेझिझक लिख दिया करो, अब फ्री टाइम होगा तो कमेंट्स में भी रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बस यही बताना था कि आप अंडरस्टैंड करना करना पड़ेगा आपको अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं एक साल से कोशिश कर रही हूँ, बार बार कोशिश की कंसल्टेशन देने की, लेकिन लोग ऐसे हैं कि
बस नहीं होता, तो मैं किसी की बात भी नहीं शेयर करनी मेरे को किसी की, मेरे को बस पॉजिटिव ही रहना है लाइफ में, क्योंकि नेगेटिविटी से सिर्फ नेगेटिविटी ही फैलती है। तो अगर हम नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे तभी मैं ज़्यादा पॉजिटिव लोगों पे ध्यान दे पाऊंगी, जो कि आप लोग हो। आप मेरे कमेंट सेक्शन को पॉजिटिव रखते हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसलिए मैंने सोचा कि ज़्यादा टाइम अब आपकी आपको नॉलेज देने में लगाऊंगी, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती वो वीडियो के रूप में करूंगी, और ना कि सिर्फ कि हाँ ठीक है रिप्लाई कर दिया, कमेंट बता दिया। तो आई नो कुछ लोग नाराज होंगे, लेकिन समझो यार, अब आई ऑल्सो नीड सम टाइम, मेरे को खुद पे भी टाइम देना। मेरे एक साल से अपने आप को सामने क्यों रो रही हूँ, मेरा नींद नहीं पूरी, वो नहीं हुई। जब किसी को ज़िंदगी में कुछ पाना हो तो खोना पड़ता ही है, तो वो चीज़ हुई है मेरे साथ। तो अब मैं और नहीं खोना चाहती हूँ, मेरे को अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, थोड़ा नेचर के साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है। अब मैं आप सोच रहे हो कि सुबह सुबह वीडियो डाल दिया, अभी सूरज वहाँ से आ रहा है, मैं पूरी रात जाग के अब सोच रही थी कि ये वीडियो डालूं ना डालूं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी का एक मेन हिस्सा काट रही हूँ कि कंसल्टेशंस नहीं देनी है, पर वो ज़रूरी भी है। हम हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, हर किसी की ज़िंदगी में वो एम नहीं होता कि मेरे को महान सक्सेसफुल ये वो बनना है। मेरे को ज़िंदगी में सिर्फ नॉर्मल तरीके से ही चलना है, एक बेसिक तरीके से खुशी से चलना है, कोई ना चाहे कम लोगों की मदद करे लेकिन करनी दिल से है। तो आप, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि YouTube डॉक्टर होके YouTube पे भी YouTube सिल्वर अवार्ड, और फिर आगे आप इतना प्यार और इतने कमेंट सेक्शन मेरा ऐसे फूलों से चॉकलेट से भर देते हो, मैं तो वहीं, ये भी नहीं सोचा था कभी। तो कई बार भगवान पे ही छोड़ देना चाहिए कि भगवान जहाँ लेके जा रहा है वहीं पे चल लेना चाहिए, अपनी अकल नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। और अब तक मैंने अपनी अकल इस्तेमाल नहीं की है, तभी घर वाले गुस्सा होते हैं, अपनी अकल नहीं इस्तेमाल करती, तो मेरे को लगता है कि उसी की वजह से शायद मैं यहाँ पे हूँ और मैं यहीं पे ही बहुत खुश हूँ। इससे आगे बहुत सारे एम्प्लॉयज़, कॉल सेंटर, ये वो, कॉल सेंटर खोल लूँगी, वो कॉल सेंटर के लोग रख लूँगी, अब वो आपको रिप्लाई करेंगे, आप पूछोगे फेस वॉश बताओ, वो बताएंगे मैडम निविया वाला फेस वॉश यूज़ कर लो। अब आप उस कॉल सेंटर वाले इंसान से बात करने के लिए मुझे क्यों पे करोगे, कंसेप्ट नहीं ना सही बना। मतलब वो करने को कर सकती है मैं सारी चीज़ें, लेकिन मेरे को करनी, करण औजले का एक गाना है ना, करता सब कुछ सकते हाँ सानू लोड नहीं, अगर आपने नहीं सुना तो सुन के देखना। तो मेरे ज़िंदगी में वही है, कर सकते हैं लेकिन नहीं करना है, क्योंकि अगर आराम से खुशी से लाइवली होके मैं आपकी ऐसे मदद कर सकती हूँ, तो मेरे को ओवर हाइपर ये भी करना है वो भी करना है, नहीं करना है। जो लिमिटेड चीज़ें जिनमें मैं अच्छी हूँ, डमा प्लानिंग में मैं अच्छी हूँ, आपके साथ बातें करने में यूट्यूब पे अच्छी हूँ, आपके साथ लाइव आके बात करेंगे, कमेंट्स और वीडियोज़ बनाऊंगी, तो मैं वही करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में इस वक्त, और ये चीज़ मुझे खुशी देती है। और मैं ये चूज़ कर रही हूँ कि मैं अपने आप पर ध्यान दूंगी और अपने आप को खुश रखूंगी। यही चीज़ से आप भी सीख लो, किसी को इम्प्रेस करने के लिए वो मत करो कि मैं अपनी फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए कंसल्टेशंस कर रही हूँ, एक्स्ट्रा इनकम के लिए, पैसे कमाने के लिए, दुनिया एक नाम बनाने के लिए। भगवान अपने आप सब कुछ कर लेता है, वही ना, अगर नीयत अच्छी हो तो भगवान अपने आप हर चीज सही कर देता है। तो मेरे केस में तो वो चीज है ही, मेरा तो नाम ही डॉक्टर हरनीत है, तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय नीयत फर्स्ट, कि मेरे को अपनी नीयत और अपने कर्मा और अपनी इन चीजों पे थोड़ा ध्यान देना। और मैं पाठ भी नहीं कर रही हूं बहुत देर से, और एक होता ना कि भगवान सब कुछ दे देता है फिर चेक करता है कि आप भगवान को भूले तो नहीं हो, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भगवान को कम टाइम दे रही हूं, मैं पाठ नहीं कर रही हूं, मैं प्रेयर नहीं कर रही हूं, जो कि जरूरी है। और हर चीज़ के लिए बस मेरे को टाइम चाहिए। मतलब जो मेरे ट्रू फॉलोअर्स हैं वो यहाँ तक वीडियो देख रहे होंगे, मैं बताना चाहती हूँ कि खुद के लिए और हर चीज़ के लिए टाइम चाहिए, और मैं इसलिए धीरे धीरे करूँगी सब कुछ, ताकि मैं आपके साथ लंबा चलूँ। ये नहीं कि जल्दी मैं सब कुछ ये भी कर लो, वो भी कर लो, प्रोडक्ट भी लॉन्च कर लो, ये भी, तो मैं धीरे धीरे चलूँगी और चाहूँगी कि आप मेरे साथ इस सफ़र में साथ साथ चलो, और जो भी मेरी लाइफ में होता है सब कुछ शेयर तो करती हूँ, तो आप ऐसे धीरे धीरे चलो, ठीक है। और जो लोग नहीं पसंद करते ये चीज़ तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर दो, नीचे बटन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो बस यही बता रहा था, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड एंड आई लव यू गाइज सो मच, शब्द बयान नहीं कर सकते हैं कि आप लोग मेरे लिए क्या मायने रखते हो। बस जैसे आज ये सुबह हुई है ना, नई सुबह, पहली बार सुबह से बाहर आई हूँ, तो ऐसी ही ज़िंदगी में ये सुबह होगी जिसमें ये वीडियो अपलोड करूँगी। उसके बाद से फिर रिप्लाइज़ की वेट मत करना, वीडियोज़ की वेट करना, क्योंकि उसमें मैं आपकी सारी चीज़ों का रिप्लाई क्या करूँगी, कमेंट्स में क्या करूँगी। व्हाट्सएप पे नहीं आएगा तो निराश मत होना, क्योंकि अब नहीं कर सकते, ठीक है। बस ये बताना था, ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, और कमेंट में ज़रूर लिख देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखनी है, और कमेंट में अपनी बातें शुरू करते हैं, कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओके। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कैसी वीडियोस की बात कर रही हूँ, कि आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई किस तरह से वीडियोस में करा करूँगी। जैसे किसी माही धालीवाल का कमेंट आया है, मैं इंग्लैंड से हूँ और मैंने अपने चेहरे पे एक्ने पे गार्लिक लगा लिया था, उससे डार्क स्पॉट्स हो गए और वो अभी तक जा नहीं रहे हैं, मैंने माइक्रोडर्माब्रेजन भी करवाया है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका रिप्लाई यही करूँगी कि नहीं, चेहरे पे गार्लिक नहीं लगाना है, चेहरे के ऊपर ऐसी कोई भी चीज़, मैं तो इवन आपको हल्दी भी नहीं लगाने को बोलती हूँ, सिर्फ एक्ने को सप्रेस करने के लिए हम सैलिसिलिक एसिड बेस्ड ट्रीटमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है फरहाना अदील का, कि वो मेरी वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छी होती है, और वो चाहते हैं कि मैं उन्हें बताऊं कि घर पे
खट्टी चीज़ों के अलावा चेहरे पे क्या चीज़ें लगा सकते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी चीज़ें बताई हुई हैं, लेकिन अगर आपको इस चीज़ के ऊपर वीडियो देखने के घरेलू कौन सी चीज़ें हम चेहरे पे लगा सकते हैं, कौन सी चीज़ें सेफ हैं चेहरे पे लगाने के लिए, तो मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। मुझे इसके बारे में ज़रूर कमेंट करना। नेक्स्ट चीज़ है कि किसी ने कमेंट किया, रुबीना वाहिद ने, कि आप तो प्यारी हैं, आप तो चेहरा पानी से भी धोओगे तो चेहरा चमकेगा। तो आप कोई ऐसी चीज़ करो कि किसी और पेशेंट पे जिसकी स्किन प्रॉब्लमैटिक है, आप उसकी स्किन के ऊपर ये करके दिखाओ ताकि हमें पता लगे कि कितना असर आता है। तो मैंने सोचा ये सही चीज़ है और मैं आगे से किसी भी पेशेंट से कंसेंट लेके उनसे पूछ के उनकी स्किन की फोटोज़ या वीडियोस शेयर करा करूँगी ताकि आपको पता लगे कि कितना डिफरेंस आता है होम रेमेडी से या फिर कोई भी नॉर्मल जो मैं ट्रीटमेंट बताती हूँ उससे। ट्रीटमेंट तो चलो ऑनलाइन बताना नहीं है, मतलब जो मैं स्किन केयर रूटीन बताती हूँ, ट्रीटमेंट हम आज से बंद कर रहे हैं। तो बाकी सब लोगों के थैंक्स आ रहे हैं। तो ये भी पूछते हैं कि हाँ हम विटामिन ई कैप्सूल क्यों ना चेहरे पे लगाएं, जबकि ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है कि विटामिन ई नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लीज़ जाके देखें। तो उसके बाद काफ़ी लोग नाइस हैं और बहुत प्यार से बातें कर रहे हैं। तो ऐसे मतलब इस तरह से जो भी आपके कमेंट्स होते हैं वो मैं सारे रीड करती हूँ और उनके रिप्लाई कमेंट्स में भी कोशिश करूँगी और उनको वीडियो के रूप में भी आपको बताया करूँगी। तो ये तरीका था। बाकी मैं इंस्टाग्राम के ऊपर जल्दी ही लाइव आऊँगी, आपको टाइम बता दूँगी। वहाँ पर आके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आपको अपने साथ लाइव पे लूँगी ताकि जो भी कोई आपकी कोई क्वेरीज होती है वो हम क्लियर करें। देखो मदद मेरे को करनी है, बस मेरे को कंसल्टेशन वाले तरीके से नहीं करनी, क्योंकि वो मेरे को सही नहीं बैठा, मेरे को सूट नहीं बैठा। वो आपको बता दिया पूरी वीडियो में कि क्यों नहीं बैठा, तो बहुत सारे रीजंस है। तो मुझे लगता है जिंदगी में सही टाइम ही नहीं है इस चीज़ के लिए, और मदद करेंगे लेकिन थोड़े अपने तरीके से। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।